बताएं कि ये किसकी लव स्टोरी पे इंस्पायर्ड है, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ तो ख्याल होगा कि यार ये उनकी लव स्टोरी से इंस्पायर्ड है। लव स्टोरी आपकी अपनी सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, तो मैं और सुमित 11th स्टैंडर्ड से ही साथ में पढ़े हैं और तब से नहीं मैं तो पढ़ती थी तो कुछ मोमेंट्स, कुछ चीज़ें जो हमें आज भी याद है, बात करते वक्त हमें हमेशा लगता था कि जब भी ये किससे सुनाते हैं सबके अपने अपने भी कुछ किस्से होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है स्कूल में वो पहला प्यार, वो पहला क्रश हर एक की लाइफ में होता है, किसी की सक्सेसफुल लव स्टोरी होती है, किसी की नहीं होती, पर वो चेहरा आप भूल नहीं सकते हो, ये बात तय है। तो इसीलिए हमें लगा कि क्यों ना एक ऐसी कहानी बनाई जाए जो आज के दौर से बिल्कुल अलग हो, जिसकी सिंप्लिसिटी हो, जिसमें एक इनोसेंस हो और जिसमें एक्चुअल में प्यार के वो रंग हो जो आज के बच्चे नहीं समझते। तो जब हमारा प्रोमो चल रहा था और वो एंटीना घुमाने वाला शॉट आ रहा था, मेरी 11 साल की बेटी ने पूछा ये क्या घुमा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं, पर उसे बिल्कुल समझ नहीं आया। बट आई थिंक इस फिल्म के थ्रू शायद कुछ नए लोग और कुछ नई लव स्टोरी तो हर एरा के लोग समझते ही हैं, ठीक तरह से प्यार करेगा, मतलब आज कुछ और हो गया तो इन्होंने उस चीज को दिखाना चाह रहे हैं कि ठीक तरह से प्यार करें सही तरीके से। या